हर्षिता, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं हिनाया को कितना स्क्रीन टाइम दूं। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, आजकल के कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे आजकल इतना ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं तो पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि कितना मोबाइल उनके लिए ठीक है और कितना मोबाइल यूज करना उनकी आईज के लिए, उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसका एक बहुत इजी सॉल्यूशन है कि बच्चों को उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मोबाइल प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंट्स की। अगर बच्चा 0 to 2 एज में है तो उसे उसका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। आप अगर फैमिली मेंबर्स से वीडियो कॉल करा रहे हैं तो दैट्स ओके, बट उसका टाइम भी आप जितना लेस रखेंगे उतना बच्चे की हेल्थ और बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे 2 to 5 ईयर्स किड्स की। 2 to 5 ईयर्स किड्स को आप 1 आवर तक के लिए स्क्रीन टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम इंक्लूड्स मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, एवरीथिंग। आपका बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही उसकी आईज और बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करेंगे लास्ट 5 to 17 ईयर्स एज ग्रुप की। 5 to 17 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को आप 3 आवर्स तक मोबाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें इंक्लूडेड रहते हैं आपके जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम, एवरीथिंग। अब आप किस तरह से बच्चों को ये जो मोबाइल टाइम है, ये जो स्क्रीन टाइम है, इस पर रिस्ट्रिक्ट करें, किस तरह से उनका जो स्क्रीन टाइम है उसे बॉन्ड करें ताकि वो एक्सेस स्क्रीन टाइम ना यूज करें, इस पर मैंने अपना नेक्स्ट वीडियो बनाया है, तो उसे जरूर देखें। उसमें मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप बच्चों के स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हर्षिता को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।